हेलो फ्रेंड्स, तो बड़े दिनों से मैं वेट कर रहा था एक कैफ़े में आने की। तो उस कैफ़े की ख़ास बात यह है कि ये फर्स्ट गढ़वाली कैफ़े है। एक्चुअली देहरादून का कह लीजिए, इंडिया का कह लीजिए या वर्ल्ड का कह लीजिए, पहला ऐसा गढ़वाली कैफ़े है जहाँ पे गढ़वाली फूड मिलता है। अदरवाइज़ गढ़वाली खाना ऐसे इतना सब कहीं नहीं मिलता। तो ये मेरे पीछे जो है ये गेट है इसका, एंड ये कैफ़े है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, आपको भी बताएंगे, साथ चलिए। तो चलिए इनका मेन्यू देख लेते हैं एक बारी। तो ये है दंडियाली कैफ़े का मेन्यू। स्टार्टर है पिंडालू के गुटके, उड़द के पकोड़े, स्वाला रवा पकोड़ा, छोलिया रोटी, गैत का सूप एंड इस तरह के ही काफ़ी सारी चीज़ें। गैत की भरी रोटी ये आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलेगी। आप दिल्ली में भी जैसे वहाँ चले जाते हैं, अगर दिल्ली हाट, तो भी वहाँ पे है गढ़वाली खाना, पर इस तरह का नहीं मिलेगा जिस तरह का यहाँ पे। चेसू खानू भी मिल रहा है, काफली भी मिल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। घरिया भात, झंगुरू भात, लाल भात, तो सारा एकदम पहाड़ी मेन्यू है, एकदम पूरा प्रॉपर वाला। मतलब इतना प्रॉपर वाला मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने बहुत जगह खाना खाया है इधर उधर, गढ़वाली खाना भी, बट जिस तरह से यहाँ पे मीठू भात, मीठी छोलिया रोटी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एंड चलिए ठीक है, फिर हम कुछ ऑर्डर करते हैं अभी। एंड मीनवाइल आपको पूरा जो कैफ़े है वो एक बारी घुमा के देखते हैं। भांग की चटनी भी है, तिल की चटनी भी, भंगजीर चटनी भी, काफ़ी चीज़ें। तो ठीक है भाई, एक पहाड़ी थाली का भी ऑप्शन है। तो अभी देखते हैं क्या ऑर्डर करना है, एंड मीनवाइल हम ऑर्डर करते हैं एंड आपको तब तक ये कैफ़े घुमाते हैं है कैसा क्या बना हुआ है। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, होम स्टे भी, आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। मेरा वैसे मन तो कर रहा है अब रुकने का, बट टाइम कम है, तो देखते हैं। चलिए गाइस, बहुत ही सही बना हुआ है, क्योंकि अगर आप थीम देखें, गढ़वाली थीम है, तो उस हिसाब से कमरे भी बड़े सही बने हुए हैं। मतलब अगर आप आओ, आपको दिखाई देता हूँ एक बारी किस तरह से बने हुए। तो ये एक रूम है, पूरा सब कुछ मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड दिखाता हूँ आगे, ये थोड़ा ऐसे ही
डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया मान लो, कॉमन एरिया, एंड ये भी उसी तरह से यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हो एंड ऑल। एंड एक रूम ये है, अभी एक्चुअली अंधेरा है यहाँ पे, तो जितना मैं दिखा सकता हूँ मैं दिखा रहा हूँ, बाकी दूसरे शॉट्स में आपको पूरा प्रॉपरली दिखा दूंगा कि किस तरह है। अभी तो बिल्कुल ही अंधेरा है इस रूम में, दिख नहीं रहा, तो कोई नहीं, अभी आपको प्रॉपरली भी दिख जाएगा कि किस तरह है। बाकी है बड़ा अच्छा एंड फील है, एटलीस्ट फील अगर आपको लेनी हो तो आप आ सकते हो, अगर आप बड़े टाइम से गांव नहीं गए हो तो देहरादून आए हो तो यहाँ पे फील ले सकते हो। एंड ये बाहर का एरियन का, तो गाइज अब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर इनका एक मेडिटेशन रूम है, तो देखते हैं किस तरह से। एक्चुअली ये पहले एक मेडिटेशन सेंटर ही था, जो कि बाद में इन्होंने इस तरह से कैफ़े में बना दिया, एंड बहुत अमेजिंग जगह है। तो अब ऊपर स्टेयर से जाएंगे एंड दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ऊपर। चलिए, प्लीज़ रिमूव योर शूज़ हियर एंड लेट्स गो। भाई ये बाहर इन्होंने बिल्कुल घास है, पर ये नकली वाली घास है, एंड बहुत अच्छा गार्डन सजा रखा है वैसे तो। एंड ये पार्किंग एरिया इनका, एंड व्यू देखिए क्या मज़ेदार व्यू है ना यहाँ से, व्यू तो देखते ही बनता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली जगह है, काफी लोग रह भी रहे हैं आसपास, ये एक छोटा सा गांव है। ये हमने एंटर करा इनके मेडिटेशन सेंटर में। तो गाइज ये इनका मेडिटेशन सेंटर है, एंड बहुत ही सही बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार, मतलब मुझे तो यहाँ पे आते ही फील आ गई कि यार क्या बना रखा है। ऐसी जगहें ना देखने को बहुत ही कम मिलती है, जहाँ पे अंदर घुसते ही एक बहुत ही अच्छी फील आ जाती है कि यार ये है जगह। तो मुझे तो बहुत पसंद आ रही है ये जगह, एंड देखने लायक है, ऐसा नहीं कि बेकार है या ऐसे ही बोल रहा हूँ। अगर आप लोग खुद भी आओगे तो अच्छी लगेगी, खास करके ये जगह जो है ना, मन तो कर रहा है मेरा यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाऊँ, पर निकलना है मेरे को अभी दिल्ली के लिए, तो मुश्किल है। बस यहाँ से खाना खाएंगे एंड फिर चलेंगे दिल्ली के लिए, हो जाएंगे रवाना। एंड यहाँ से जब हम घुसते हैं तो जैसे नीचे होके फिर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर तो हाइट अच्छी है बट गेट जो है वो छोटे छोटे हैं। तो अच्छा है, मतलब इसी तरह से होता है गांव में भी, अगर आप जाओगे गढ़वाल में घर भी जो बने हैं ना, उनके गेट ऐसे थोड़े नीचे से होते हैं,
तो फील आ रही है, ऐसा नहीं है कि फील नहीं आ रही, फील पूरी है। तो अब यहाँ पे आपको पहाड़ी खाने के साथ साथ पहाड़ में रहने वाली फील भी मिल ही रही है। तो जब सब कुछ मिल रहा है तो पहाड़ का खाना भी तो मिलना चाहिए, मतलब खाने के साथ साथ आपको पहाड़ी प्रोडक्ट्स भी तो मिलने चाहिए। तो बताता हूँ आपको आपको क्या क्या मिल सकता है। तो जैसे कि इन्होंने ये सब दालें रखी हुई हैं, ये मंडुए का आटा रखा हुआ है, ये गैत की दाल रखी हुई है, राजमा है, गैत है, ये भी, ये लोबिया है, एंड ये अरसे हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैं तो लेके ही जाने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि भैया अरसे खाए हुए तो सही में अरसे बीत गए, तो अरसे तो यहाँ से ज़रूर लेके जाऊँगा। एंड काफ़ी सारी दालें वाले सब कुछ हैं यहाँ, एंड फील है भाई, मतलब कि आना चाहिए, है अच्छी जगह। अगर पहाड़ को मिस कर रहे हैं या फील चाहते हैं ना ऐसी जगह पे आके पहाड़ का थोड़ा फील लेना, तो बहुत सही जगह है, बहुत अच्छी। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, अब बस खाने की वेट हो रही है, एंड खाना खाएंगे एंड बताएंगे खाना किस तरह का है। एंड बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा व्यू एंड सुकून, बहुत ही सुकून। खाना शुरू कर रहे हैं, पहले पकोड़े खाते हैं, उड़द वाले, देखते हैं। अच्छे बने इस तरह के, वैसे तो घर पे ही बनते हैं, पर ये ज्यादा इन्होंने क्रिस्पी टाइप बनाया, पता नहीं कैसे, पर बहुत टेस्टी है। एक नंबर, गुरास का जूस पी के देखते हैं कैसा है। मीठा सा भी है और थोड़ी ना टैंगीनेस सी भी है इसमें, एंड अलग ही फ्लेवर, मैंने पहले कभी नहीं पिया था, एंड यहीं आके पी रहा हूँ फर्स्ट टाइम, एंड आई लाइक दैट, है अच्छा। अब बारी है पल्लर की, पल्लर देखना कैसा है। मजेदार, ये ज़्यादा टेस्टी है, मैं हो सकता है ये एक और पीऊँगा। कि स्पाइसी सा है, मतलब कि जैसे हम छाछ पीते हैं या उस तरह का जो होता है ना, एंड बहुत टेस्टी है। ग्लास भी बड़े अच्छे हैवी तांबे टाइप के, बहुत मजेदार। पल्लर तो एक और पीना पड़ेगा। तो अब बारी है स्वाले की, स्वाले खा के देखते हैं, पूरी टाइप है एंड इसमें कुछ भरा हुआ है, मसाला वसाला टाइप, दाल वाल, देखते हैं। साथ में घी भी दिया है इन्होंने, घी भी लगाएंगे, इनकी चटनी भी लगाएंगे एंड खा के देखते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ तो मेरे को ठीक लगा, ऐसा नहीं कि वैसा, जो मेरे को सीरीज की पसंद आया अभी तक वो है जो इनके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अमेजिंग बना रखे हैं। आवाज़ भी आ रही है तोड़ने में, ऐसे चबाने में भी, एंड साथ में ये जो पल्लर है, पल्लर तो मैं दोबारा ऑर्डर करने वाला हूँ, बहुत अच्छा है। एंड गुरांस का जूस भी
ठीक है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब कि 10 में से 8 एंड बट पलर को 10 में से 10 एंड इन पकौड़ियों को भी 10 में से 10, सवालों को मैं 10 में से 6 दे सकता हूँ। हैं ठीक है, अच्छा है, घी भी है साथ में, दो दो तरह की चटने हैं, पर चटपटी वाली फील नहीं है, एक अलग टेस्ट है बट चटपटी वाली फील नहीं है। जो चटपटी फील और मज़ेदार फील है वो इनमें बहुत बढ़िया। तो गाइस अब बारी है चलने की, अब हम यहाँ से जा रहे हैं एंड जाने से पहले आपको बता दें यहाँ के जो रूम के टैरिफ्स हैं वो है 1500 रुपये पर पर्सन, जिसमें कि आपका खाने रात के खाने का डिनर जो है वो इंक्लूडेड है एंड ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है साथ में। पीछे से आवाज़ आ गई भैया की ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा एंड 1500 पर पर्सन, तो इट्स क्वाइट नॉमिनल, तो काफ़ी अच्छी जगह है। एंड जाने से पहले जैसे कि मेरे को पता ही था कि कुछ ना कुछ तो हम यहाँ से लेके ही जाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं भैया, रोटाने, तो ये रोटाने ले जा रहे हैं, बिस्किट टाइप है कुछ, खाएंगे तब पता लगेगा, मैंने आज तक नहीं खाया एंड पहाड़ी में काफ़ी फेमस चीज़ है बट अब दिल्ली में कहाँ मिलता है यार। तो ये यहाँ से ये ले जा रहे हैं एंड अरसे ले जा रहे हैं एंड दोनों का प्राइस 200-200 रुपये, ये भी 200 का है एंड रोटाने भी जो हैं वो भी 200 के, तो ठीक है इतना तो यार नॉर्मल रेट है, कोई ऐसा भी नहीं एंड काफ़ी अच्छा है एंड मुझे तो काफ़ी अच्छी फील आई एंड अमेजिंग है, बहुत अच्छा व्यू, शांति एकदम एंड खाना भी काफ़ी अच्छा था, बताया ही मैंने जिस तरह आपको एंड चलते हैं अब दिल्ली की तरफ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, गुड बाय।